हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर ऊपर माय चैनल में। तो दोस्तों, आज है 27 में और मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में आई एक नन्ही परी, यानी मेरी भतीजी आई है घर पे घूमने। बहुत दिनों बाद, लगभग 3 मंथ बाद आज आई है वो घूमने। तो आज उसकी पसंद का है, मैंने सारा जो रेसिपी वो बना लिया है जो आपके साथ में शेयर करूंगी वो भी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मेरे नन्ही परी को। गोलू, तो देखिए नन्ही परी, इसका नाम है गोलू। ये बहुत दिनों बाद हमारे घर घूमने आई है। देखिए कितना प्यारा है। और आते ही अपना ड्रेस चेंज नहीं किया है, वही ड्रेस में खिलौने पर बैठ गई है। साथ ही जो दीदी है, मेरा निकिता बेटा वो भी, और साथ ही जो रूद बेटा है वो अपना दीदी को देख रही है। फिर वो गई कंप्यूटर स्टार्ट किया, मेरा बेटी इसको सिखा दी है कंप्यूटर। और मेरा बेटा जो है वो है अपना बैग लेके बिजी, यानी अपना दीदी का बैग लेके। तो देखिए, यानी ये लोगों का डिस्कशन चल रहा है क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके मैं तुराई काट लिया है। तुराई के मैं अभी रख दूँगी कल बनाने के लिए फ्रिज में। साथ ही मैंने लौकी और आलू काट लिया है, इसको भी मैं रख दूंगी। अभी मैं ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं बनाने का इरादा है। और करेला, ये मेरा सुबह का यानी कल लंच का है, लंच के लिए मैं काट के रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं यही करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम बिठा दिया, तेल बिठा दिया कढ़ाई में। साथ ही हमें मैंने आलू प्याज और हरी धनिया काट लिया है। और मैंने यहाँ पे 1/2 किलो पनीर लिया बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे ग्रेवी भी बना लिया है, टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज का। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, मैं छोड़ दूँगी आलू यहाँ पे। मैं पहले आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं इसे। ये रेसिपी मेरी जो आई है मेहमान, जो मेहमान की सुनवाई से मैं बना रही हूँ। हाँ, इसको बहुत ही पसंद है ये रेसिपी, मेरा हाथ से स्पेशली। थोड़ा सा हल्दी भी मैं ऐड कर देती हूँ और मैं इसको ढकूंगी नहीं, इसको फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। आलू है क्या ना, वो आलू जल्दी ही पक जाता है। तो हो गया मेरा ये आलू फ्राई, तो मैं अभी इसको निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे आलू फ्राई करने के लिए तेल लिया है। और सब्जी बनाने के लिए आप क्या है, यहाँ पे घी ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं, ऑप्शन है। तो मैंने जो कढ़ाई में तेल है उसी तेल से मैं बनाऊंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 इलायची 1 लौंग दालचीनी डाल दिया है, और जो मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखा है वो डाल दिया है फ्राई करने के लिए। मैंने यह बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, यानी जो था मेरे घर से मैंने यही बनाया। आप ग्रेवी के लिए यहाँ पे काजू ऐड कर सकते हैं, मगज ऐड कर सकते हैं, खसखस क्रीम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं एज यू विश। तो देखिए मेरा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। मैं अभी इसे मसाला ऐड कर दिया है। मसाला को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, क्यों ना मसाला अच्छे से फ्राई होंगे तभी तो जाके सब्जी टेस्ट होगा। तो मैं मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक, डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं बना रही हूँ सब्जी, और पीछे मेरा आवाज़ बहुत ही हो रहा है क्योंकि बहुत शोर मच रहा है मेरे घर पे। आज तो बहुत धूम धड़क्का हो रहा है मेरे घर पे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। नॉर्मली आपका घर पे अगर कुछ कुछ सामान जैसे काजू मगज ना हो तो आप इसे बना सकते हैं आलू के साथ। ये बच्चे को बहुत पसंद आता है ये सब सब्जी। तो देखिए मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, देख सकते हो तेल निकल गया। तेल निकल गया यानी कि मेरा जो मसाला है वो तो सारी वो बना है। तो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी आलू को जो मैंने फ्राई करके रख दी थी। तो आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो
इसमें कस्तूरी मेथी मैंने क्रश करके रख दी थी, तो वो भी मैं साथ में ऐड कर दूँगी। अब देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से लीजिएगा कितना आप लेंगे। मेरा 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पे, तो मैं अभी इसको ढकूंगी नहीं क्योंकि लगभग मैं जो आलू है वो पक चुका है। तो देखिए लगभग सब्जी हो गया है, मैंने पनीर अभी तक ऐड किया नहीं है, तो ग्रेवी मैंने इतना ही रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं किया है। आप पनीर को अगर बनाइएगा ऐसा रेसिपी तो आप पनीर को फ्राई कर लीजिए थोड़ा बटर से, और ज़्यादा टेस्ट बनेगा। साथ ही मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर देती हूँ जो काट के रखी थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो देखिए बनके तैयार हो गया सब्ज़ी। मैं गार्निश के लिए एक धनिया पत्ता ऊपर से दे दिया है, और मेरा जो गर्मा गर्म सब्ज़ी है वो रेडी हो गया है बनके। तो अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप बनाइए घर पे। ये रेसिपी आपको पूरी नान का साथ ज़्यादा टेस्ट लगेगा। मेरा ये शाम का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप अगर न्यू यूट्यूब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फटाफट से आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।